नाम है काका आपका? हुसैन नाम हमारा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? बस यही मजदूरी करते हैं। अच्छा, कितने साल के हो आप? हम हो गए हैं करीब 36 साल के। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई आप किए हो कुछ? नहीं, पढ़ाई तो नहीं किए हैं। अच्छा, शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई है। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। क्या नाम है बच्चों का? एक लड़की का नाम गीता है और बेटे का नाम रंजीत है। अच्छा, पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, एक बेटी पढ़ती है। हाँ। बेटा का भी नाम नहीं लिखा गया। अच्छा, सरकारी स्कूलों में जाते हैं प्राइवेट में जाते? नहीं, सरकारी में है। अच्छा, आपको ये आवास योजना ये सब में कुछ सुविधा मिले? नहीं, अभी आवास का तो कोई सुविधा नहीं मिली है। अच्छा, तो इसी ऐसा घर में टूटे फूटे में रहते हो? क्या करे, टाइम गुजारने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो बारिश में कितनी दिक्कतें होती होंगी? अरे, बहुत दिक्कतें होती। खाना बनता तो पानी का बर्तन में छूता है, बच्चे भीग जाते हैं, चारों तरफ से हवा लगती है। अच्छा, तो कभी मुखिया जी से पूछे नहीं कि हमें आवास ये सब क्यों नहीं कुछ मिला जब मोदी जी ने लागू किया? ये जब कहा जाता तो कहते हैं कि जब आएगा तभी तो मिल पाएगा, हम अपने पास से कहाँ से देंगे। जब योजना वहाँ से निकलेगा तभी हमें मिलेगा, तब हम आपको दिलवा। योजना लागू हुए तो बहुत साल हो गए, तब अभी भी नहीं मिला? तो वो तो यही कह रहे हैं कि भाई जब योजना निकलेगा तभी दे पाएंगे हम। अच्छा, हमारे पास थोड़ी क्या, हम अपने बजट से लगा देंगे भी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं तो क्या करें। अच्छा, तो घर में गैस सिलेंडर नहीं है जो मोदी जी ने लागू किया था? गैस सिलेंडर तो नहीं है। अच्छा, तो कभी गए पूछने की हमें मतलब फ्री में जो लागू हुआ है वो क्यों नहीं मिलता है? नहीं, वो तो बोले कि गैस सिलेंडर जो आपको मिलना है वो मिलेगा, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जब आपको मिल रहा था उस समय आप थे नहीं, तो जैसे फिर बाद में बीच में रोक दिया गया है। अच्छा, तो बोले कि बाद में रोक दिया गया, फिर 6 महीने के बाद जब फिर लागू हो जाएगा। किसने बोला रोक दिया गया है? वहाँ मतलब जहाँ से अपना ये गैस एजेंसी है। अच्छा, वहाँ से? अच्छा, यहाँ से तो मुखिया जी ने भेजा था। अच्छा, कि जाके आप वहाँ पता कर लीजिए, अगर मिल रहा हो तो मैं फार्म भर देता हूँ, आप निकलवा लीजिए। अच्छा, तो वहाँ गया तो वहाँ यही पता लगा, तो फिर वापसी चले आए। तो आप मजदूरी करते तो कितना मिलता आपको मजदूरी का? बस वही 200 रुपया 250 रुपये मिलते हैं। तो उससे आप मतलब अपने घर का खर्चा अपने बीवी बच्चे सबको पाल लेते हो? क्या पाल पाते हैं, वही का एक टाइम बनता, दो टाइम थोड़ा थोड़ा करके गुजारा होता है। अच्छा, आपके माता पिता हैं? नहीं। क्या नाम था आपके माता पिता का? पिता जी का नाम था छब्बू। अच्छा, मम्मी जी का? मम्मी जी का कालावती नाम था। अच्छा, तो आपके पास कुछ खेत वेत है? हाँ, 10-20 खेत है। तो उसमें आप खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा, तो उससे भी थोड़ी मदद मिल जाती होगी? हाँ, हल्का सा मदद मिल जाता उसका भी। अच्छा, तो मतलब आपको ये आवास और सिलेंडर योजना का भी मतलब कुछ लाभ नहीं उठा पाए? नहीं। अच्छा, आप कभी बीमार होते तो सरकारी अस्पताल कितनी दूरी है यहाँ पे? सरकारी अस्पताल यहाँ से समझ लो कि 1 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ पे सुविधा दी जाती है अगर कोई बीमार रहता है? अभी तो सुविधा कोई नहीं मिला है। अच्छा, तो वहाँ पे जाते हैं अगर बीमार है तो मतलब सुविधा क्यों नहीं देते हैं? ऐसा है कि जब वहाँ जाओ तो बोलते हैं कि ऐसा कि अभी यहाँ समय नहीं, आप परसरामपुर जाइए। अच्छा, परसरामपुर यहाँ से कितनी दूरी पे है? यहाँ से यानी 5 किलोमीटर पड़ जाता है। अच्छा, तो वहाँ पे सुविधा दी जाती है? हाँ, वहाँ सुविधा तो मिलती है। अच्छा, वहाँ पे फ्री में दिया जाता है कि मतलब पैसा वहाँ पे भी लिया जाता है? नहीं, कुछ दवा तो अंदर से देते हैं, कुछ दवा बाहर के लिए देते हैं। अच्छा, पूरी दवाई अंदर से नहीं देते? नहीं। अच्छा, आपके गांव में मतलब आपके गांव का जो गांव में लोग हैं उन लोग का विकास हुआ है कि आपकी तरह जैसे झोपड़पट्टी में रहना पड़ रहा है, टूटी फूटी में? नहीं, बहुत सौ का तो हो गया है, बहुत सौ का अभी बाकी है। अच्छा। हाँ। आपके गांव की सड़कें मतलब कैसी हैं? सड़कें अभी वैसे ही पड़े हैं। अच्छा, मतलब गांव का विकास अभी हुआ नहीं? अभी बराबर नहीं हुआ है। अभी साइड में हमारे घर के सामने जो आया हुआ करंजा, इस करंजे पे मिट्टी पटना चाहिए, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। अच्छा, साफ सुथरा होना चाहिए। बारिश में पानी भर जाता, वो आदमी पब्लिक आता जाता तो पानी के अंदर हल्के आते हैं जाते हैं कीचड़ में। अच्छा, तो बारिश में बहुत दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? यही चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो जाए। हाँ। हमारा आवाज बन जाए, जो भी गरीब भाई हैं सबको सुविधा रहे।